राय की रिपोर्ट है इन अबाउट 100 वर्ड्स है ऑन द टॉपिक है क्लीन इंडिया मूवमेंट। राय की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखो, शब्द संख्या है वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपको किस टॉपिक पर लिखना है, क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान। और सबसे पहले जब रिपोर्ट लिखते हैं, जो शीर्षक है उस टाइटल को, उस हेडिंग को लिखो, उसके बाद है एक लाइन छोड़कर आपको रिपोर्टर्स नेम लिखना है, फिर है आपको एक लाइन छोड़कर फिर है प्लेस है, डेट है, वो लिखना होता है। तो यहाँ पर शीर्षक हो गया क्लीन इंडिया मूवमेंट, ये आपने शीर्षक लिख दिया। वाई अशोक सिंह है द रिपोर्टर है, आपको क्वेश्चन में आएगा ये, यू आर अशोक है, अनीता है, कुछ भी, जयपुर। और देखो ये जयपुर 3 अक्टूबर 2014, ओके। और आपको पता है ये स्वच्छ भारत जो अभियान है, क्लीन इंडिया मूवमेंट है, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्म जो दिवस था, उस पर आरंभ किया था। और ये 2014 को जयपुर 3 अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर 2014, और कोई न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई थी ऑन 2 अक्टूबर 2014, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, पर 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च आरंभ किया द स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान था वो आरंभ किया। एक तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी 2 अक्टूबर को, और उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया था। द मेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य, और इसे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य था ऑफ दिस प्लान, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था टू मेक द स्ट्रीट क्लीन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन। देखो मेक बनाना है, स्ट्रीट है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना है, उसको स्वच्छ बनाना है अक्रॉस द कंट्री, और देश के आर पार वही 2019 कि 2019 तक है, और देश के आर पार मतलब जो अपना देश है उसके रोड्स हैं, उसकी गलियां हैं, आधारभूत संरचना है, उसको स्वच्छ बनाना है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही जो कैबिनेट्स के जो अन्य मंत्री थे, उन्होंने स्वेट और साफ किए द स्ट्रीट ऑफ द कैपिटल, जो देश की राजधानी है उसकी गलियां विद ब्रूम से झाड़ू लगाकर। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड पीपल, और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम जे, कि वो महात्मा गांधी का जो स्वप्न है उसको पूरा करें, और क्लीन इंडिया भारत को और स्वच्छ रखने का महात्मा गांधी जी का जो ड्रीम है उसको पूरा करें। द सेम सीन वॉज विटनेस इन ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज एंड टाउन्स थ्रू आउट दी कंट्री, और यही दृश्य है और संपूर्ण देश के कस्बे हैं, शहर हैं,
उनमें देखा गया अर्थात लोगों ने झाड़ू लगाकर गलियां हैं, सड़कें हैं, इन सभी को साथ दिया। द प्राइम मिनिस्टर अर्ज पीपल, और प्रधानमंत्री महोदय ने लोगों से आग्रह किया टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि वो अपने ड्यूटी को पूरा करें एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करें टूवर्ड्स देयर कंट्री, अपने देश के प्रति, टू मेक इट क्लीन, और इसे स्वच्छ बनाकर और अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा करें। तो क्लीन इंडिया मूवमेंट पर ये रिपोर्ट है।